Hello student, this is the second part of the lesson, the 100 dresses part 1. Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, Mary felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand. कभी कभी पैगी जब उससे पूछती वंडा से इस तरह क्वेश्चन पूछती उसके साथ मजाक उड़ाती तो मैडी जो थी वो बहुत ज़्यादा परेशान महसूस हो जाती थी और वो अपने हाथ में अपना ध्यान बटाने के लिए कभी कंचों के साथ खेलने लग जाती, रोलिंग दैम राउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, और उनको इधर उधर घुमाती और कुछ नहीं कहती थी। नॉट दैट सी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा एग्जैक्टली, इसका मतलब ये नहीं था कि वो वांडा के लिए वास्तव में ही दुखी थी। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पैगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम, वह वांडा की तरफ कोई ध्यान नहीं देती यदि पैगी ने ये ड्रेस वाला गेम नहीं खोजा होता। यानी उसको वांडा से कोई विशेष लगाव नहीं था, किंतु जब वो उसकी ड्रेस की बात करती थी, क्योंकि वो खुद भी गरीब है तो उसे ये बात अच्छी नहीं लगती थी। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर गर्ल अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, किंतु वह इसलिए कुछ नहीं कहती थी कि यदि मान लो पैगी और दूसरी लड़कियां उसके साथ उसी तरह मजाक करने लग जाएं तो क्या होगा। शी वॉज नॉट एज पुअर एज वांडा परहैप्स बट शी वॉज पुअर, वह वांडा के जितनी गरीब तो नहीं थी किंतु फिर भी वह गरीब थी, और एक गरीब ही गरीब की हालत समझ सकता है। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेज, किंतु वांडा को इतना तो सोचना चाहिए कि उसे इतनी समझ होनी चाहिए कि उसके पास 100 ड्रेसेज हैं, ये बात उसे नहीं कहनी चाहिए थी। स्टिल शी वुड नॉट लाइक देम टू बिगन ऑन हर, किंतु फिर भी वह उनके जैसी नहीं थी। शी विश पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेंट्रोस की, उसकी इच्छा थी कि पैगी जो है वांडा पेंट्रोस के साथ टीज करना यानी उसका छेड़खानी करना, उसका मजाक उड़ाना बंद कर दे। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक पन ऑफ वांडा, आज भी वो दोनों स्कूल से लेट थी और मैडी इस बात से खुश थी कि आज वांडा के साथ मजाक नहीं बनाया गया। शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडली, उसने अनमने ढंग से अपने अंगणित के सवालों का हल किया। 8 times 8 लेट्स सी, 8 × 8 कितना होता है देखते हैं। शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी ए नोट बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द कोरेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी टू से, उसने सोचा कि वह पैगी को एक नोट लिख करके दे दे क्योंकि उसमें इतना साहस तो है नहीं कि वो कैश के, इसलिए एक चिट्ठी बनाकर दे दूसरे। हाय पैगी लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस, वो चाहते वो उसमें लिखे कि हे पैगी हम ये वांडा से पूछना बंद कर दें कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं। सी हैज व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक सी डिड स्टार्ट ए नोट टू पैगी, जब उसने अपने अर्थमेटिक के यानी कि अंकगणित के सवालों को कर लिया तो उसने एक नोट लिखना शुरू किया। सडनली सी पॉज एंड शडर्ड, भाई उसने तुरंत रुक गई और कांप गई, उसने वो बंद कर दिया। सी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड ए न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स, उसने एक कल्पना की कि वह स्कूल के ग्राउंड में खड़ी है और पैगी और दूसरी लड़कियाँ उसको टारगेट उसको लक्ष्य बना करके उसका मजाक उड़ा रही हैं। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन एंड मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिसगाइज विद न्यू ट्रिमिंग्स सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट। पैगी जो है कल्पना में कांप जाती है, वो सोच रही है कि वन मैडी उससे पूछेगी, सॉरी मैडी कल्पना में कांप जाती है, पैगी माइट आस्क हर पैगी उससे पूछेगी सी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन, वो उसको ये ड्रेस कहाँ से मिली जो उसने पहन रखी है, एंड मैडी वुड हैव टू से और मैडी को कहना पड़ेगा इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस दैट मैडीज मदर हैड ट्राई टू डिस्गाइज विद न्यू ट्रिमिंग्स, और उसे ये कहना पड़ेगा कि पैगी की पुरानी जो पोशाक है उनमें से एक है जो मैडी की माँ ने उसकी तुरपाई करके उसको नई ट्रिमिंग करके उसको अलग से बना दिया है। दैट नो वन रिकॉग्नाइज रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, कोई भी उसको रूम 13 में पहचान ना सके। इफ ओनली पैगी वुड डिसाइड टू हर ओन अक्रोड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा, ऐसा केवल तभी संभव है कि पैगी खुद ही इसको वांडा को छेड़ना बंद कर दे, उसके साथ मजाक करना बंद कर दे। यदि वो सोच ले तो ओह वेल बहुत अच्छा हो। मैडी रन हर हैंड थ्रो हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज डो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे, पैगी ने अपने बालों के अंदर हाथ मारा और उसके जो ये जो विचार थे उनसे वो अनकंफर्टेबल जो उसको असहज विचार थे उनके बारे में सोचना उससे बाहर आ गई। वट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। स्लोली मैडी टोर इन टू इट्स बिट्स द नोट सी हैड स्टार्टेड, और धीरे धीरे
मेडी ने उस पर्ची को, उस नोट को फाड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। सी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम। वह पैगी की बस बहुत अच्छी मित्र थी और पैगी स्कूल में सबसे ज़्यादा पसंद करने जाने वाली लड़की थी, यानी बहुत प्रसिद्ध थी। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग सी थॉट। पैगी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी, उसकी कोई संभावना थी कि जो गलत हो उसने सोचा, यानी उसको पैगी पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। एज फॉर वांडा सी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बोगिंग हाइट्स एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड। और जैसे कि वांडा के लिए वह एक सिंपल सी गर्ल लड़की है जो बोगिंग हाइट्स में रहती है और जो स्कूल का यार्ड है उसके अंदर सबसे अकेली बैठी रहती है। शी स्केयर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबॉडी। वह बड़ी मुश्किल से किसी को कोई बात कहती है। द ओनली टाइम सी टॉक वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर हैंडेड ड्रेसिज। उसकी पूरे स्कूल में अगर कोई बातचीत थी तो वो केवल उसकी जो पोशाकें थी, जो हैंडेड ड्रेसिज के बारे में जो बात करती है उसकी वही पोशाकें थी। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसिज पेल ब्लू विद कलर्ड ट्रिमिंग्स। मैडी ने उसको याद दिलाया उसकी जो ड्रेस थी जो ब्लू कलर की थी, जो हल्के ब्लू कलर की थी, उसकी जिसके ऊपर ट्रिमिंग जिसकी तुरपाई की हुई थी। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद ए रेड सैश। यू वुड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंड एडमायरेशन। और पैगी ने उसको ये भी याद दिखाया कि तुम बिल्कुल हरे भरे जंगल की तरह लगती हो, जो लाल और हरे रंग की जो ड्रेस है इसके अंदर, और तुम बिल्कुल एक क्रिसमस ट्री के जैसी लगती हो। और लड़की ने उसको बिल्कुल मानने की भाषा में अपने सिर को ऐसे झुका लिया जैसे कि वो उस बात को स्वीकार कर रही हो, उसकी बात को मान रही हो। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर ड्रेसिज एंड हर ड्रेसिज ऑल लाइन अप इन द क्लोसेट, मैडी बिगन टू वंडर हु वाज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। वांडा और उसके अंडर ड्रेसिज के बारे में सोचते, एक लाइन में सोचते सोचते मैडी इस चीज़ के ऊपर आश्चर्य करने लग गई कि जो कल जो ड्राइंग कॉम्पिटिशन हुआ था उसको कौन जीतेगा। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्सेप्ट कंसिडर्ड द डिजाइनिंग ड्रेसिज एंड फॉर बॉयज ऑफ डिजाइनिंग मोटरबोट। लड़कियों के लिए इस प्रतियोगिता में ड्रेस बनाने का काम था और लड़कों के लिए मोटरबाइक्स मोटरबोट्स की डिजाइन करने का काम था। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, शायद पैगी जो है लड़कियों का मेडल जीते। पैगी ड्रा बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम। पैगी सबसे अच्छा ड्रॉ करती, सबसे अच्छी पिक्चर बनाती इस रूम के अंदर। एट लीस्ट दैट्स वॉट एवरीबडी थॉट, कम से कम सभी लोग यही सोचते हैं। सी कुड कॉपी ए पिक्चर इन ए मैगजीन और सेम फिल्म स्टार हैड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज। वह किसी भी मैगजीन के अंदर पिक्चर को देख कर या किसी फिल्म स्टार के सिर को, चेहरे को देख कर वैसा ही बना सकती है और आप पहचान सकें कि यह कौन है। ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन, मैडी को पूरा विश्वास है कि पैगी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स देन दे वुड नो। कल अध्यापिका अध्यापक जो है इसके बारे में घोषणा करेंगे कि विजेता कौन होगा, कल ही उनको इस चीज़ के बारे में पता चलेगा। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगी अम्ब्रेला। अगले दिन बूंदाबांदी हो रही थी, मैडी और पैगी स्कूल के लिए जल्दी जल्दी जा रही थी, पैगी के छत्ता का उड़कर दोनों एक छत्ते में जा रही थी। नेचुरली ऑन ए डे लाइक दिस दे डिड नॉट वेट फॉर वांडा पेंट्रोस्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ऑलवर स्ट्रीट। स्वाभाविक तौर पर उन्होंने आज, बाकी दिनों की तरह भी उन्होंने वांडा का उस गली के मोड़ पर इंतजार नहीं किया। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल्स लेड टू बॉगिंग साइट्स। ये वही ऑलवे स्ट्रीट जहाँ पर जो बहुत दूर तक जाती है, रेलवे रोड तक जाती है और बॉगिंग हाइट्स तक चली जाती है, पहाड़ियों की तरफ चली जाती है। एनीवे दे वर नॉट टेकिंग चांस टू बीइंग लेट टुडे बिकॉज टुडे वाज इम्पोर्टेंट। कुछ भी हो आज वो लेट होने का चांस नहीं ले सकती थी क्योंकि आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन था, क्योंकि आज उनका रिजल्ट आने वाला था पेंटिंग का। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर टुडे, आस्क पैगी। पैगी ने पूछा क्या तुम सोचती हो कि मिस मैसन जो हैं आज वो विनर की घोषणा करेंगी। ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन सेड मैडी, ऑफ कोर्स यू विल विन पिग। हाँ मुझे ऐसी उम्मीद है कि कुछ क्षण बाद हमें इस चीज़ का पता चल जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है, पक्का विश्वास है कि तुम ही जीतोगी पैग। होप सो सेड पैगी ईगरली। पैगी ने उत्सुकता से कहा कि ऐसा ही हो। द मिनट दे एंटर द क्लास रूम दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैस्प। There were drawings all over the room on every ledge and windowsill, dazzling colors and brilliant lavish design, all drawn on great sheets of wrapping paper. There must have been a hundred of them all lined up. कुछ क्षणों के अंदर वो क्लासरूम के अंदर थी और उन्होंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर कुछ
जो सभी छोटी और एक शानदार चीजें वहां पर लगी हुई थी, और वो वहां पर दौड़ते दौड़ते पहुंची, हाफते हाफते पहुंची। देर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम ऑन द डेलाइज एंड विंड स्टिल। वहां पर कमरे के अंदर सभी जगह और खिड़कियों के आसपास सभी जगह डेजलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट आंखों में चुभने वाले कलर और शानदार कलर, लेविश डिजाइनिंग, शानदार डिजाइन थे ऑल राउंड ऑन ग्रेट शीट ऑफ रोलिंग पेपर। और सभी रैपिंग पेपर से बनाई हुई बहुत सारी शानदार शीट से बने हुए पेपर थे। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइन अप। वहाँ पर 100 ड्रेसेस थी और सभी एक सीध में थी। देयर मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट। ये सभी किसके लिए थी? कॉन्टेस्ट के लिए थी। देयर वर एवरीबडी स्टॉप एंड विसल्ड फॉर मर्मर्ड एडमायरिंगली। उनमें से जो भी कहाँ आता था प्रत्येक तिमाह रुकता, सीटी बजाता, प्रशंसा मारता और उसको देख करके प्रशंसा में कुछ बुड़बुड़ाता कि वास्तव में शानदार पेंटिंग्स हैं। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, मिस मेसन अनाउंस द विनर्स। जैसे क्लास इकट्ठी हुई, मिस मेसन ने विजेताओं घोषणा कर दी। जैक बैगल्स हैड वोन फॉर द बॉयज, सी हैड सेड, एंड हिज डिजाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वाज ऑन एग्जीबिशन इन द रूम 12 अलॉन्ग विद द स्केच बाय ऑल अदर बॉयज। जैक बैगन्स जो उसने मोटरबाइक्स का जो डिज़ाइन का जो पहला पुरस्कार उसने जीता था, और उसकी एक मोटर बोट आउटबोर्ड मोटर थी जो वहाँ प्रदर्शनी के अंदर रूम नंबर 12 में पड़ी हुई थी दूसरे लड़कों के पेंटिंग्स के साथ। ये तो लड़कों का परिणाम था, लड़कियों का आना बाकी था अभी। एज फॉर द गर्ल्स, लड़कियों के लिए सी साइड उसने कहा, ऑल दो जस्ट वन और टू स्केचेज वर सबमिटेड बाई मोस्ट, वन गर्ल एट रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ फॉर दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रो 100 डिजाइंस ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटिफुल। अब मिस मेसन ने लड़कियों के बारे में कहा कि प्रत्येक लड़की ने एक या दो चित्र बनाकर भेजे थे, किंतु रूम नंबर 13 के अंदर 13 को प्राउड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि एक लड़की ने जिन वास्तव में 100 ड्रेसेस 100 डिजाइन बनाए और सभी अलग अलग और सभी सुंदर हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेज, एनी वन ऑफ ड्राइंग्स इज वर्थली ऑफ विनिंग द प्राइज। जजों का मत यह है कि इन चित्रों में से कोई भी चित्र प्राइज जीत सकता है। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वेंडा पेंट्रोस्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वेंडा पेंट्रोस की जो लड़कियों की विजेता है। अनफॉर्चुनेटली वेंडा हैज़ बीन एबसेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज एंड इज नॉट हेयर टू रिसीव द एप्लस दैट इज ड्यू टू हर। कुछ दिनों से दुर्भाग्यपूर्ण कुछ दिनों से वांडा पेट्रोस्की जो है स्कूल में नहीं आ रही है, और यहाँ वो अपना वाहवाही या जो प्रशंसा है उसको लेने के लिए यहाँ पर नहीं है। लेट्स होप फॉर सी विल बी बैक टुमारो। हम उम्मीद करें कि कल वो आए। नाउ क्लास, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्साइटिंग ड्राइंग्स। अब क्लास एक पंक्ति में चलेगी बिना शोर के वे, और उन चित्रों को देखेगी। द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अ प्लेस एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव ए चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, पुट देयर फिंगर्स इन द माउथ्स एंड विसल दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेज। अब सभी लड़के एक साथ बाहर आए प्रशंसित मुद्रा में, और लड़कों के लिए बहुत अच्छा चांस था फर्श के ऊपर पैर बजाने का, और उन्होंने अपने मुंह में उंगलियां डालकर सीटी बजाने का। यद्यपि उनका दे हैव नो इंटरेस्ट इन ड्रेसिंग, जबकि उनको उस पेंटिंग्स में ड्रेसिंग्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लुक पैक विस्पर्ड मैडी, मैडी फुसफुसाते बोली, पैगी देखो, देर देर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, एजेंट इट्स ब्यूटीफुल। इनमें से ये एक ब्लू वाली देखो जिसके बारे में उसने हमें बताया था, क्या है सुंदर? नहीं है। यस सेड पैगी, एंड हेयर इज दैट ग्रीन वन। हाँ पैगी, पैगी ने कहा बिल्कुल सही बात है, और यहाँ पर ये हरी वाली भी है। बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, जो है लड़के है और मैं भी सोचती हूँ कि मैं इसको बना सकती थी। ये इसका 100 डेसिस पार्ट वन का सेकंड पार्ट था। यहाँ पर ये लेसन कंप्लीट हो गया है, 100 डेसिस पार्ट वन जो कि 5th लेसन है। आप इसको रीन लर्न करेंगे। थैंक यू।